अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ट्रिक्स वर्ल्ड को, तो आप रेड बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ आप हमारे बेल आइकन के ऊपर ज़रूर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वाईफाई को किस तरह स्पीड अप कर सकते हैं, किस तरह उसकी स्पीड को दुगना कर सकते हैं। जो लोग लोकल वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, आज वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूं कि आप अपनी लोकल वाईफाई को किस तरह दुगना कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी वाईफाई को वैसे ही दुगना किया हुआ है, तो मैं आपको ये सेटिंग दिखा देता हूँ जो मैंने की हुई है। ये मैंने देखा हुआ है कि ये पहले से ज़्यादा तेज़ चल रही है वाईफाई, लोकल वाईफाई है। तो मैं यहाँ से इसकी सेटिंग्स में आ जाता हूँ। तो यहाँ से मैं इस सेटिंग्स ओपन कर लेता हूँ। सेटिंग्स ओपन करने के बाद आपने जाना है वाईफाई के अंदर। तो आपने वाईफाई ओपन करनी है, वाईफाई जो आपने कनेक्ट की हुई है, लोकल वाईफाई कनेक्ट की हुई है, तो आपने उसके ऊपर लॉन्ग टैप करना है, यानी कि थोड़ी देर तक उसके ऊपर दबा के रखना है। तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक फॉरगेट आएगा और दूसरा आएगा मॉडिफाई। आपने मॉडिफाई नेटवर्क के ऊपर क्लिक करना है। मॉडिफाई की नेटवर्क के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मेरे पास इस तरह एक टिप लिंक का वो आ गया। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले शो एडवांस करना है। जैसे ही आप शो एडवांस करेंगे तो आपने शो एडवांस करने के बाद आपने आईपी एड्रेस को, जो आईपी सेटिंग को, अगर आपकी DHCP है तो उसे स्टैटिक करना है। और स्टैटिक करने के बाद आपका ये आईपी एड्रेस यही रहेगा और गेटवे भी यही रहेगा, नेटवर्क प्रीफिक्स लेंथ भी यही रहेगी। अब आती है बारी DNS1 और DNS2 की। तो आपने ये चेंज करने हैं जिस तरह मैंने चेंज किए हुए हैं, 208.67 आप नोट कर लें, 0.222 यानी कि 222.222। और आपने उसे नीचे वाले DNS2 के अंदर भी आपने थोड़ी सी चेंज करना है, उसे 208.67.220.220। तो आपने ये सेटिंग कर लेनी है। जैसे ही आप अपनी ये सेटिंग कर लेंगे और आपने यहाँ पे पासवर्ड लिखना है, जौन सा आपकी डिवाइस का पासवर्ड है जो आपके साथ कनेक्ट है। तो मैं अपनी डिवाइस का पासवर्ड लिख लेता हूँ। तो आपने इसे सेव कर लेना है। तो ये सेव होगी, उसके बाद ये थोड़ी देर तक कनेक्ट हो जाएगी खुद ब खुद दोबारा, जैसे कि अब ये दोबारा कनेक्ट हुई है। तो आपकी डिवाइस इससे दुगना, यानी कि आपको अगर 2 MB आ रहे हैं तो आपकी उससे दुगना वर्किंग करेगी, दुगनी वर्किंग करेगी आपकी, उससे ज़्यादा तेज़ चलेगी जिस तरह आप चलाना चाह रहे हैं। आप देख लें, नेट ओपन करते हैं, तो कुछ भी सर्च कर लेते हैं, गूगल सर्च कर लेते हैं या कुछ भी सर्च कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वर्किंग कुछ पहले से बेटर है। पहले मैंने आपको दिखाई तो नहीं, लेकिन मैं आपको इतना है कि मुझे अपने आइडिया जो है वो पहले से बेटर वर्किंग कर रही है ये चीज़। तो यहाँ पे गूगल सर्च कर लेते हैं, ये पहले से बेटर वर्किंग कर रही है, क्योंकि मेरा नेट बहुत स्लो है यहाँ पे। जिस जगह पे मैं इस टाइम बैठा हूँ वहाँ पे नेट बहुत ज़्यादा स्लो है, पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी वर्किंग कर रही है। तो कुछ भी आप यहाँ पर सर्च कर लें, ट्रांसलेट जो भी करना है आपका, ये देखें वर्किंग अच्छी हो रही है। तो आप एक मतबार ट्राई करें, और जो जो आपका सजेशन है, जो भी आपका कोई सवाल है इस मुतलिक वीडियो के मुतलिक, आप नीचे कमेंट करें मुझे और मुझे बताएं कि क्या वाकई ही आपका इस तरह वर्किंग की है कि नहीं की। तो आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। तो खुदा हाफिज़, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।